हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। चलिए आज फिर से शुरू करते हैं एक नई टॉपिक और एक नया फाइल। हम सबको पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज एक फिर से एक अमेजिंग सेशन स्टार्ट होगा हमारा। और एक नया टॉपिक फाइलम एस्केलमेंथस हम लोग पढ़ेंगे और फाइलम एनलिड्स पढ़ेंगे। इससे पहले के टॉपिक में जिसने भी नहीं देखा उस वीडियो को जाके देखो। हमने फाइलम पोरीफेरा टू फाइलम प्लेटीहेलमिंथेस डिटेल किया है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्लियर होगी आपकी। इवन एक एक 2% एक्स्ट्रा जा रहे हैं इसमें, क्योंकि बच्चे हम बता रहे हैं कि लास्ट के कुछ 5 ईयर से इस चैप्टर में कुछ डिटेल पूछा नहीं है, तो डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। टाइम बचाओ, अदर चैप्टर में हमें जरूरत पड़ेगी उस टाइम की, और इवन आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा टारगेट नीट इस बार किसी भी तरीके से क्लियर करना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक फाइलम एस्केलमेंथस। आपके स्क्रीन पर कुछ एक फाइलम दिख रहा है, फाइलम एस्केलमेंथस, आल्सो कॉल्ड राउंड वर्म। ठीक है, इस फाइलम का एक और नाम है फाइलम निमेटोडा। वैसे तो बहुत सारे नाम है, पर आपको एस्केलमेंथस और निमेटोडा याद रखना हो जाएगा इतना। एंड राउंड वर्म क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे का रीजन है। आपके स्क्रीन पर एक ऑर्गेनिज्म दिख रहा होगा, ध्यान से देखो। और चलिए पहले एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपके अभी तक के जो आपका लाइफ स्पान रहा हो, अभी का, सॉरी लाइफ स्पान बोलना गलत होगा, मतलब जो आपकी एज हो, सपोज करिए कि कुछ की एज 15 हो सकती है, 20 हो सकती है, 25 हो सकती है। तो अगर हम कहें कि अभी तक के एज में कभी आपने आपके स्टमक के अंदर, मेनली स्टमक के अंदर एक पेट का केचुआ होता है, कभी हुआ है आपको? एक डिजीज होती है हम लोगों को स्टमक के अंदर, तो जिसको हुआ होगा वो ज्यादा रिलेट कर पाएगा। एक व्हाइट कलर का केचुआ होता है, एक तो नॉर्मली हमने अर्थवर्म को देखा होगा अपने आसपास रेनी सीजन में, लेकिन एक व्हाइट कलर का होता है, वो एस्केरिस होता है, इसी फाइलम के अंदर आता है बच्चे। ठीक है, तो फोकस करना, आपके स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, थोड़ा सा ये डिटेल डायग्राम है पर उतना करना नहीं है। हाँ, कुछ चीजें हैं इसकी इंपॉर्टेंट, जैसे ये फीमेल है, ये प्लस का सिंबल जो दिख रहा है ये फीमेल का है और ये मेल का है। ठीक है, मेल का है, माउथ है इसके पास, मस्कुलर फेरिंग्स होता है, एनसीईआरटी लिख भी रही है कि एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप है, यानी कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा हमको, और फेरिंग्स है और वो मस्कुलर फेरिंग्स है। मस्कुलर फेरिंग्स है इसके पास, ईसोफेगस होगा, हाँ नर्व रिंग होगी और गोनोफोर, ये सब करना नहीं, इंटेस्टाइन पूरा डिटेल एनाटॉमी की बात की जा रही है इसमें। फीमेल है तो ओवरी है इसके पास, ओवरी जो जो होती है वो पेयर में होती है। ठीक है, पेयर होती है तो दो होगी इसके पास, डाइडेल्फिक कंडीशन होती है। वोल्वा लिखा है तो करना नहीं इसमें, बहुत ज्यादा यूट्रस है, एनल पोर है इसके पास, हाँ है, और बाकी और डिटेल नहीं करना है। मेल का जो डायग्राम देख रहे हैं, ये मेल का डायग्राम है, मेल है, ये मेल एस्केरिस है और ये फीमेल एस्केरिस थी। मेल एस्केरिस में देखेंगे ये टेस्टिस है, बहुत सारी चीजें। अब ये सब क्या, ये सब नहीं है इसके पास, हाँ है सर, पर ये सब अलग से दिया नहीं, तो यहीं से मान लो इसका माउथ है, यहाँ फेरिंग्स है इसके पास भी, यहाँ पर है फेरिंग्स, ये रीजन फेरिंग्स का है, और इसोफेगस है तो हम मार्क कर सकते हैं इसके साथ ही। ठीक है, तो हम कर नहीं रहे हैं, और बाकी सेम है, बस इसके पास टेस्टिस है और टेस्टिस मोनोडेल्फिक कंडीशन होती है, नहीं कि सिंगल होती है, एक ही टेस्टिस इसके पास होती है, ओवरी पेयर में होता है, ये याद रखना है तो कर लो, बाकी एनसीईआरटी में है नहीं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसके पास कॉपुलेटरी स्पिक्यूल होता है, कॉपुलेटरी स्पिक्यूल, कॉपुलेटरी स्पिक्यूल जो होता है मेल के पास होता है, जो इस रीजन में है। ठीक है, तो आप इस वाले रीजन को मतलब याद कर सकते हो, कॉपुलेटरी स्पिक्यूल। ठीक, और मेल का जो इन पोस्ट एनल एरिया, मतलब पोस्ट एनल एरिया तो ऐसे नॉन कोऑर्डिनेट में एब्सेंट होता है, लेकिन मान लेते हैं हम जो इसका एनल एरिया, जो टेल रीजन होता है इसका, ये थोड़ा सा राउंड होता है, मतलब घुमा हुआ होता है, और साथ में उसमें सिटी मिलती है ये। तो आप मेल फीमेल को डिस्टिंक्ट होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इसको, तो इसके बारे में आगे हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो फाइलम एस्केलमेंथेस आल्सो कॉल्ड निमेटोडा, एंड निमेटोडा वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये थ्रेड लाइक होते हैं। ठीक है, थ्रेड लाइक होते हैं और बहुत सारे डिजीजेस कॉज करते हैं ह्यूमन बॉडी में। ठीक, तब इसका हैबिटेट भी देख रहे हैं हम लोग। तो राउंड वर्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब इसका हम टीएस सेक्शन करते हैं, जैसे यहां से हमने इसको कट किया, तो इसमें इसका जो टीएस सेक्शन करने के बाद इसका जो स्ट्रक्चर होता है राउंड होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, राउंड होता है, तो इसलिए भी हम राउंड वर्म बोल रहे हैं। राउंड वर्म इसलिए बोल रहे हैं बच्चे, ध्यान से देखना, फोकस करो एक बार, हम फिर से रिकॉल करते हैं, हम फाइलम एस्केलमिंथस पढ़ रहे हैं और फाइलम एस्केलमिंथस को निमाइटोडा भी बोल रहे हैं, और भी बहुत सारे नाम है, नहीं करना है, पहले भी बोल रहे हैं हम, अभी भी बोल रहे हैं, राउंड वर्म बोल रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी लिख रही है कि जब उसका टीएस सेक्शन काटते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है वो हमें राउंड मिलता है। जैसे मान लो ये एक पेन है,
स्टाइलस है, ठीक है। हम इसको अगर इस तरीके से कट करें तो हमें एक सर्कल मिलेगा देखने को, तो इसलिए भी हम इसको राउंड वर्म बोल रहे हैं। इसमें अगर इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिटेल करें तो देखोगे आप, तो इसमें बॉडी कवरिंग है जो एक्टोडर्म है, क्योंकि तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होंगे, एक्टोडर्म एंडोडर्म मिजोडर्म तीनों होगा इसके पास। तो यहाँ पर देखो जो बाहर का लेयर है एक्टोडर्म जिसको बॉडी कवरिंग बोल रहे हैं, और जो बीच की लेयर है जो रेड कलर की दिख रही है आपको, हम मसल लेयर बोल रहे हैं, जो मेसोडर्म है, एंड इनर लेयर जो है डाइजेस्टिव ट्रैक के आसपास होती है, तो इसको हम बोल रहे हैं एंडोडर्म। बाकी इसमें स्यूडो सिलोमेट होगा, तो इस तरीके से पाउचेस मिलेंगे आपको जो मेसोडर्मल डेराइव्ड होंगे, मेसोडर्मल डेराइव्ड होंगे। वैसे तो ये जो ये वाला पॉइंट लिखा है ना, ये मतलब बहुत याद मत रखना, बस ये मान लो कि इसके पास जो स्यूडो सिलोमेट की बात कर रहे हैं, ठीक, मसल लेयर है इसके पास, पर वो मेसोडर्म डेराइव्ड, हाँ मेसोडर्म डेराइव्ड ही होगी, लेकिन ये कंफ्यूजन ना हो, स्यूडो सिलोमेट होता है, जो स्यूडो सिलोम होता है वो मेसोडर्मल होता है, छोटे छोटे पाउचेस बन जाते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। तो वो आसपास मसल्स के होगा। इसमें आपको इस पूरे स्लाइड से आपको ये याद रखना है कि मेल एंड फीमेल में ये पॉइंट याद रखना है, कॉपुलेटरी स्पिक्यूल जो मेल के अंदर होता है, और फीमेल मेल का जो टेस्टिस होता है सिंगल होता है, ओवरी पेयर में होती है, बाकी चीजें हाँ फेरिंग्स होता है मेस्कुलर, बाकी बहुत याद नहीं रखना इस स्लाइड में। हैबिटाट डिस्कस करते हैं बच्चे, ध्यान से देखना हैबिटाट हमें करना है इसका। हैबिटाट एनसीईआरटी लिख रही है कि कुछ इसमें होते हैं जो फ्री लिविंग मिलेंगे हमको, फ्री लिविंग कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर यानी एक्वेटिक भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो टेरेस्ट्रियल होंगे यानी कि लैंड एरिया में भी मिलेंगे, और कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो पैरासाइट होते हैं प्लांट एंड एनिमल के अंदर। तो प्लांट का एग्जाम्पल आपको क्लास 12 के एनसीईआरटी में मिलेगा, बायोटेक्नोलॉजी में, जरा सर्च करके बताना उसका नाम क्या, हमें तो याद आ रहा है, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर आएगा, पर पैरासाइट इन प्लांट उसका नाम बता दो आपको जरा, ठीक। क्लास 12 के एनसीईआरटी में जो ड्रॉपर बच्चे हैं, जो मतलब एक बार पढ़ चुके हैं 11th 12th की क्लास, तो एक बार इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। पैरासाइट इन प्लांट कौन सा ऐसा निमेटोड है जो प्लांट में पैरासाइट होता है, एनिमल में तो हम लोग कर ही लेंगे अभी आगे, ठीक है। बाकी ये सारे टाइप्स हैं लेकिन हमें दो करने हैं, एस्केरिस करना है, ठीक है, एस्केरिस। और बाकी इसमें से आप ये याद रख सकते हो, लोआ लोआ जो आई आइस के अंदर जो होता है पैरासाइट होता है, मतलब तो हमारे आंखों के अंदर, ह्यूमन के आंखों के अंदर जो होता है ये पैरासाइट होता है, तो इनर नहीं होता, मतलब एक्सटर्नली दिखेगा कॉर्नर में। तो अभी आप जाके गूगल करना लोआ लोआ, तो इन ह्यूमन आइस, तो आपको इसका स्ट्रक्चर दिखेगा और बहुत ही अजीब सा लगेगा आपको, ठीक है। तो हैबिटाट हो जाएगा इसका, फ्री लिविंग है, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, पैरासाइट है, पैरासाइट कहाँ होगा, प्लांट एंड एनिमल में। हमने आपसे क्वेश्चन भी पूछा है स्लाइड में, पैरासाइट जो प्लांट के अंदर होगा तो उसका नाम क्या है, ठीक। एनिमल वाला हम कर रहे हैं आगे, ठीक, फोकस करो, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। आपके एनसीईआरटी में ये दो डायग्राम दिया हुआ है, और एक मेल है और दूसरा फीमेल है, एनसीईआरटी लिख भी रही है, और एस्केलमेंथस राउंड वन का ये डायग्राम। लेकिन आप मेल का स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पर ये सर्कुलर है, थोड़ा सा सर्कुलर है, फीमेल में ऐसा नहीं है, फीमेल में ऐसा कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर सीटी पाया जाता है और कॉपलरी, अभी इससे पहले हमने कॉपलरी क्या था वो देख लो एक बार, कॉपलरी स्पिक्यूल, सॉरी मेरे दिमाग से निकल गया था, कॉपलरी स्पिक्यूल होता है जो मेल के पास होता है, फीमेल के पास नहीं होगा। मेल का जो टेल रीजन है वो राउंड होता है, फीमेल में नहीं होता है। तो ये सारे फीचर आपको ऐड कर लेने हैं, याद रख लेने हैं आपको। तो ये राउंड होता है, यहाँ पर सिटी भी मिलेगी और साथ में कॉपलरी स्पिक्यूल भी मिलेगा, फीमेल में ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रक्चर जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ध्यान से देखना, ये मेल ये फीमेल है, और ये फीमेल जो होती है, फीमेल ये लार्जर लॉन्गर होती है, लॉन्गर, और जो ये मेल होगा, मेल ये शॉर्टर हो, तो फीमेल लॉन्गर है, मेल शॉर्टर है, और ये शो करके आ रहे हैं, ये दोनों शो करते हैं, मतलब यहां पर हम बात कर रहे होंगे तो ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को शो कर रहे हैं, डाइमॉर्फिज्म। ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या है बच्चे, ध्यान से फोकस करना, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब एक्सटर्नली हम देख के बता सकते हैं कि कौन सा मेल है इसमें, कौन सा फीमेल है, ठीक है। अगर हम किसी भी एनिमल एक्सटर्नली मतलब उसका हम मॉर्फोलॉजी देखकर, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखकर बता सकते हो कि कौन सा इसमें मेल है कौन सा इसमें फीमेल है, तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ठीक। जैसे ह्यूमन बींग्स मेल फीमेल आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एनिमल हैं जिसको आप बाहर से देखकर मतलब एक्सटर्नली देखकर आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो फीमेल इसमें लॉन्गर होती है, मेल इसमें शॉर्टर होता है, तो एक तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दूसरा हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि मेल का जो टेल रीजन होता है वो क्या होगा, थोड़ा सा राउंड होता है, घुमा होता है, ठीक है। फीमेल के केस में ऐसा नहीं, फीमेल का जो टेल रीजन वो स्ट्रेट होता है,
मेल में वैसे दिखेगा नहीं बहुत, मतलब ध्यान से देखना पड़ेगा, पर फिर भी आपको यहाँ पर कॉपुलेटरी स्पिक्यूल मिल सकते हैं और एनल सरकाई मिल सकते हैं आपको, ठीक है, एनल सरकाई मिल सकते हैं, जिसको हम सिटी भी बोल सकते हैं। लेकिन आपको अगर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म आइडेंटिफाई करना है तो फीमेल लॉन्गर एंड मेल शॉर्टर, इतना याद रखना है आपको, ठीक। इससे ज्यादा मतलब कंफ्यूजिंग वाली बातें हो जाएंगी, मत करो इतना, एनसीईआरटी में है नहीं तो जरूरत नहीं है, इस चैप्टर पूरा कंप्लीटली एनसीईआरटी से आता है बच्चे। अब आते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करना, ध्यान से देखना। ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डाइजेशन की बात करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसके पास होगा जो कंप्लीट होगा, मतलब दो ओपनिंग होगी, माउथ भी होगा बच्चे इसके पास और दूसरा एनस भी होगा इसके पास, माउथ एंड एनस दोनों होगा इसके पास, ठीक है। एंड मस्कुलर फेरिंग्स होगा, एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप होगा, एनसाइटी के एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप एंड प्रेजेंट होगा इसके पास, क्या प्रेजेंट मस्कुलर फेरिंग्स, मस्कुलर फेरिंग्स वेल मतलब इसके पास एलिमेंट्री कैनाल डेवलप्ड है पूरा। इससे पहले हमने कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा, सब इससे पहले जितने भी फाइलम पढ़े हम उसमें इनकम्प्लीट पढ़ रहे थे, यहां पर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा, मतलब दो ओपनिंग होंगी माउथ और एनस। सिमेट्री की बात करें, कैसी सिमेट्री है बताओ, बाइलेटरल सिमेट्री है, सिमेट्री बाइलेटरल है। जर्म लेयर की बात करेंगे तो एक ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोम, ये इंपॉर्टेंट है स्टार लगाना, सीडो सीलोमेट होते हैं ये, सीडो सिलोमेट होंगे, दैट मींस मीजोडर्मल जो कैविटी बनेगी वो इस छोटे 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 पाउचेस में बनेगी, ठीक है। सेगमेंटेशन की बात करेंगे तो हाँ ये अनसेगमेंटेड होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं, नोटोकॉर्ड क्या होगा सेंट, नोटोकॉर्ड अपसेट होगा। तो इतनी बातें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में याद रखनी है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा और कंप्लीट माउथ एंड मतलब डाइजेशन सिस्टम इसके पास कंप्लीट है, माउथ एंड एनस दो ओपनिंग होगी और वेल डेवलप्ड है ये जिसमें मस्कुलर फेरिंक्स भी होगा। सिमेट्री की बात करेंगे तो बाइलेटरल सिमेट्री है, जर्म लेयर की बात करेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है ये, जर्म लेयर हो गया, सिलोम सिलोम कैसा है सीडो सिलोमेट है, और ये पूरे एनिमल किंगडम में पहला मतलब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल फाइलम जो सीडो सिलोमेट्स होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेना, याद कर लेना इसको। सेगमेंटेशन की बात करेंगे तो ये अनसेगमेंटेड होते हैं बच्चे, नोटोकार्ड इसका क्या होता है सेंट होता है, तो इतना कर लेना है आपको। आगे बढ़ेंगे इसमें स्पेशल फीचर पढ़ने जा रहे हैं कि मतलब इसके पास स्पेशल फीचर क्या है, बच्चे ध्यान से देखना है, एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे तो उसमें लिखा होगा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हेल्प करता है एक्सक्रीशन में एंड मेंटेन करता है ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन करता है, तो हम इसके लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं रेनेट सेल होता है इसके पास, रेनेट सेल, रेनेट सेल होगा जो एक रेनेट ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है, और ये ग्लैंड किस तरीके की हो सकती है, यच शेप्ड सेल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखो यहां ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर, ये रेनेट ग्लैंड या रेनेट सेल आपको कुछ जगह पे मिलेगा, सिंगल रेनेट सेल देखो यहां पर सिंगल रेनेट सेल है, कुछ में आपको रेनेट सेल ये इस तरीके का दिख सकता है, ठीक है, इस तरीके का दिख सकता है। तो एक्सक्रीशन ये किसमें हेल्प करता है, आप लिखेंगे यहां पर हेल्प इन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा तो ऑस्मोरेगुलेशन भी मेंटेन करेगा, तो एनसीईआरटी लिख रही है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है, हम कह रहे हैं कि रेनेट सेल होता है इसके पास और वो एच शेप्ड होता है, ठीक है, एच शेप्ड सेल या एच शेप्ड ग्लैंड भी आपसे पूछा जा सकता है, जो किसी भी फाइलम में ऐसे पूछ लेगा किस फाइलम में एच शेप्ड ग्लैंड या एच शेप्ड सेल जो है वो हेल्प करती है किसमें, एक्सक्रीशन में, तो आपको रेनेट सेल याद रखना है या रेनेट ग्लैंड याद रखना है जो प्रेजेंट है फाइलम एस्केलमेंथस के अंदर, ठीक है, निमेटोडा के अंदर। आगे बढ़े हम, ठीक, स्पेशल फीचर तक इतना ही करना था आपको, अब आते हैं रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, तो हाँ इसमें जो डोमिनेंट हो जाएगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, एसेक्सुअल की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, कि मोस्टली में हमें मोस्टली क्या मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मिलेगा इसमें, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो
डायोसियस मिलेंगे। ये डायोसियस होते हैं, डायोसियस मतलब मेल एंड फीमेल अलग अलग, मतलब यूनिसेक्स होंगे। डायोसियस आर यूनिसेक्स, यानी मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग हम डिस्कस कर रहे होते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, तो इसका सर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? तो फर्टिलाइजेशन की बात अगर करें तो इसका फर्टिलाइजेशन मेनली मिलेगा हमको कैसा? इंटरनल, क्योंकि वाटर के अंदर बहुत कम मिलते हैं इसमें। इंटरनल याद रखना है आपको, एनसाइटी लिख भी रही है इंटरनल। डेवलपमेंट, अगर हम इसके डेवलपमेंट की बात कर रहे हो अगर, तो डेवलपमेंट इसका जो होगा वो होगा, दोनों होगा इसके पास, डायरेक्ट ही भी है और सेकंड इनडायरेक्ट। तो डेवलपमेंट दोनों है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। वापस से रिप्रोडक्शन ध्यान से देखना इसका। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये ऑर्गेनिज्म डायसियस होते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना कि इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिलता है, मतलब मेल एंड फीमेल अलग होंगे। स्ट्रक्चरली भी देखकर हम बता सकते हैं कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। बताओ फीचर क्या है? मेल एंड फीमेल को एक्सटर्नली आपको अगर देख के पता लगाना सकते, सॉरी आपसे क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं ये कि अगर मेल एंड फीमेल जो निमेटोड्स है उसको देख के आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, तो उसके कैरेक्टर क्या होते हैं? तो आप हमें जरा कमेंट बॉक्स में बताएंगे उसका आंसर, कि किस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कौन सा एस्कैरिस मेल है और कौन सा फीमेल है। तो आप वो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरा ध्यान, हम देखना चाहते हैं कि आपने कितना ध्यान से वीडियो को देखा है। ठीक, कमेंट बॉक्स में राइट करिए आप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये डायोसियस होते हैं, हो गया यूनिसेक्सुअल, दैट मीन्स कि मेल एंड फीमेल अलग अलग होंगे इसमें। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट के केस में आपको पता है ना, डायरेक्ट के केस में यंग वंस जो है, यंग वन वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा, और इनडायरेक्ट में क्या होता है? लार्वा बनता है, लार्वा से एडल्ट बनता है। तो हाँ, इनके पास दोनों डेवलपमेंट मिलेगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल की बात करें बच्चे, ध्यान से देखना है एग्जाम्पल। इसमें एनसीईआरटी में तीन याद रखना है आपको। एस्केरिस जो राउंड वर्म है, ह्यूमन के अंदर ये पैरासाइट भी होता है। एस्केरिस राउंड वर्म, वही जो पेट का केचुआ बोल रहे थे हम, तो एक पेट जो हमारे स्टमक का वर्म्स होता है वो मेनली ये एस्केरिस ही होता है। राउंड वर्म बोल रहे हैं इसको। वुचरेरिया जो होता है, या वाउचेरिया भी बोल सकते हैं, वुचरेरिया सही है। फाइलेरिया वर्म्स होता है, जिससे फाइलेरिया एक डिजीज होती है, एलिफेंट एलिफियांट सॉरी एली एलिफेंटेसिस, ठीक है, एलिफेंटेसिस एक डिजीज होती है। हाथी पांव बोलते हैं उसको, जिसमें पैर जो होता है थोड़ा सा मोटा हो जाता है। ठीक है, तो वुचरेरिया ये याद रखना है आप लोगों को। दूसरा एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी का एनसाइक्लोस्टोमा है, जिसको हुकवर्म बोल रहे हैं। वापस से एग्जाम्पल मेरे साथ बोलो, चलो बोलो स्टार्ट करो। एस्केरिस राउंड वर्म, वुचरेरिया फाइलेरिया वर्म, एंड लास्ट एग्जाम्पल एनसाइक्लोस्टोमा। ठीक है, एनसाइक्लोस्टोमा हुकवर्म, ये तीन एग्जाम्पल एनसीईआरटी के याद रखने हैं। इसके साथ ही ये टॉपिक, मतलब फाइलम जो एस्केलमिंथस है वो फिनिश होता है। इसमें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, उसका सिलोम याद रखना है, डाइजेशन याद रखना है, और उसके साथ एक्सक्रीशन के लिए जो स्पेशल सेल है वो, उसके बारे में डिटेल याद रखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद रखना है, और एग्जाम्पल। इतना कर लोगे क्लियर हो जाएगा, मतलब ये टॉपिक में इससे ज्यादा कुछ है नहीं, और इससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं, मतलब इससे ज्यादा डिटेल ना करो। और जो हमने स्टार्टिंग के स्टार्टिंग में जो हमने पीपीटी में हमने डिस्कस किया था, उसके टेस्टिस ओवरी का, अगर वो नहीं भी याद होता ना बच्चे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, उससे ज्यादा नहीं आता है। हम कह रहे हैं जितना एनसीईआरटी उतना याद रखो आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फाइलम पढ़ने जा रहे हैं, फाइलम एनिलिडा। और फाइलम एनिलिडा जो है वो एक लैटिन टर्म से डिराइव्ड है, जिसको एनुलस बोल रहे हैं। एनुलस मीन्स होता है लिटिल रिंग। ठीक है, तो ये पी वाइफिस में आ चुका है बच्चे, ये पी वाइफिस में आया हुआ है। तो एनुलस मीन्स क्या होता है? लिटिल रिंग, ये लैटिन वर्ड है एनुलस, और इसी से टर्म हमारा एनिलिडा आया है, जिसको हम फाइलम एनिलिडा में पढ़ रहे हैं। फाइलम एनिलिडा में आपको ये तीन डायग्राम दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। एक है ये नेरिस का डायग्राम, ये जो पहला डायग्राम आप देख रहे हो, एलिफेंटेसिस, ठीक है, एलिफेंटेसिस एक डिजीज होती है, हाथी पांव बोलते हैं उसको, जिसमें पैर जो होता है थोड़ा सा मोटा हो जाता है। ठीक है, तो वुचरेरिया ये याद रखना है आप लोगों को। दूसरा एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी का एनसाइक्लोस्टोमा है, जिसको हुकवर्म बोल रहे हैं। वापस से एग्जाम्पल मेरे साथ बोलो, चलो बोलो स्टार्ट करो। एस्केरिस राउंड वर्म, वुचरेरिया फाइलेरिया वर्म, एंड लास्ट एग्जाम्पल एनसाइक्लोस्टोमा। ठीक है, एनसाइक्लोस्टोमा हुकवर्म, ये तीन एग्जाम्पल एनसीईआरटी के याद रखने हैं। इसके साथ ही ये टॉपिक, मतलब फाइलम जो एस्केलमिंथस है वो फिनिश होता है। इसमें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, उसका सिलोम याद रखना है, डाइजेशन याद रखना है, और उसके साथ एक्सक्रीशन के लिए जो स्पेशल सेल है वो, उसके बारे में डिटेल याद रखना है,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद रखना है, और एग्जाम्पल इतना कर लोगे क्लियर हो जाएगा। मतलब ये टॉपिक में इससे ज्यादा कुछ है नहीं, और इससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं, मतलब इससे ज्यादा डिटेल ना करो। और जो हमने स्टार्टिंग के स्टार्टिंग में जो हमने पीपीटी में हमने डिस्कस किया था उसके टेस्टिस ओवरी का, अगर वो नहीं भी याद होता है ना बच्चे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, उससे ज्यादा नहीं आता है। हम कह रहे हैं जितना एनसीईआरटी उतना याद रखो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फाइलम पढ़ने जा रहे हैं, फाइलम एनिलिडा। और फाइलम एनिलिडा जो है वो एक लैटिन टर्म से डिराइव्ड है जिसको एनुलस बोल रहे हैं हम। एनुलस मींस होता है लिटिल रिंग। ठीक है, तो ये पी वाइकिस में आ चुका है बच्चे, ये पी वाइकिस में आया हुआ है। तो एनुलस मींस क्या होता है, लिटिल रिंग, ये लैटिन वर्ड है एनुलस, और इसी से टर्म हमारा एनिलिडा आया है जिसको हम फाइलम एनिलिडा में पढ़ रहे हैं। फाइलम एनिलिडा में आपको ये तीन डायग्राम दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। एक है ये नेरिस का डायग्राम, ये जो पहला डायग्राम आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये नेरिस है, ये एक्वेटिक होता है। ठीक है, दूसरा डायग्राम है अर्थवर्म का, और थर्ड डायग्राम है लीच का। ठीक है, तो तीन डायग्राम एक स्क्रीन पर है, नेरिस, अर्थवर्म एंड लीच, ये एक्वेटिक होते हैं और दोनों जो होते हैं टेरेस्ट्रियल होते हैं। ठीक, तो एक्वेटिक का ये डायग्राम है, अब फोकस करो। एनलिडा, एनुलस या लिटिल लिविंग क्यों बोला गया है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप इसकी बॉडी अगर ध्यान से देखना, बड़े फोकस के साथ देखो, तो एक छोटे छोटे रिंग में ऐसे मतलब सेगमेंट मिलेंगे आपको, सेगमेंट जिसको मेटामर्स भी बोल रहे हैं, सेगमेंट आर मेटामर्स। इसमें भी है क्या सर? हाँ है, इसमें भी है, बहुत पतला पतला छोटा छोटा बॉडी ऐसे सेगमेंटेड एक्सटर्नली एंड इंटरनली, ट्रू सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंट मिलेगा इसमें। क्या इसकी भी बॉडी है? हाँ, यहाँ दिख भी रहा है, देखो इसकी भी बॉडी, हाँ छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड है, छोटे छोटे सेगमेंट में क्या है, डिवाइड बच्चे, इस तरीके से छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड। तो जो फाइलम एनेलिडा है ये लैटिन वर्ड एनुलस से डिराइव हुआ है, और एनुलस इसका एक, एनुलस मीन्स क्या होता है, लिटिल रिंग, और एनुलस से जो फाइलम आया है एनेलिडा, इसका मतलब ये है कि इसकी बॉडी सेगमेंटेड है, और एक कौन सा सेगमेंट है, मेटामेरिक सेगमेंट है। तो मेटामर्स और सेगमेंट एक टर्म यूज करते हैं इसके लिए। आगे बढ़े, इसका सबसे पहले इसका डिस्कस करेंगे हम हैबिटाट। तो हैबिटाट ध्यान से देखना, ये एक्वेटिक होंगे और फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों जगह पे होते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया कौन है जो एक्वेटिक है, नेरिस होता है। ठीक, टेरेस्ट्रियल की बात करेंगे तो कुछ इसमें टेरेस्ट्रियल भी होंगे, कुछ फ्री लिविंग भी होगी, और कुछ पैरासाइट भी होते हैं। पैरासाइट में जो एक एग्जाम्पल लीच का है, ये देखो लीच जो होता है ह्यूमन के बॉडी पर भी अटैच होता है, मेनली कैटल के बॉडी पर होता है ये, तो लीच जो होता है पैरासाइट हो गया, और वो सम टाइम पैरासाइट वर्ड लिखा है ना, ये अपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, ये आ सकता है सम टाइम पैरासाइट, पूछ सकता है सम टाइम पैरासाइट कौन सा फाइलम का ऑर्गेनिज्म है। तो ये लीच याद रखना है, कुछ टाइम के लिए होता है, फिर वो छोड़ भी सकता है बॉडी को। बाकी फ्री लिविंग भी होते हैं ये, अर्थवर्म देखो ये फ्री लिविंग होते हैं, फार्मर फ्रेंड बोलते हैं इसको, और नेरिस जो होता है एक्वेटिक होता है। तो तीनों आपको एग्जाम्पल हैबिटाट जो है, हैबिटाट में हो गया, और तीनों आपके स्क्रीन पर एग्जाम्पल भी है विथ फोटो विथ डायग्राम इसका। हो जाएगा यहाँ तक ना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा ले बताओ। पढ़ाई में देखो ध्यान से देखो, हमें जब भी बायोलॉजी या किसी भी सब्जेक्ट को डील करना हो तो हमें इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं बर्डन है, मतलब हमें पढ़ के खत्म करना है और इसलिए पढ़ना है कि हमारा सिलेक्शन अच्छे कॉलेज में हो जाएगा, सिलेक्शन बात का बात, मतलब सिलेक्शन एक सेकेंडरी, पहले आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आना चाहिए। इंटरेस्ट तभी आएगा जब आप खुद से एक्साइटेड होगी, नहीं आज हमें इस फाइलम के बारे में जानना है, ये फाइलम क्या मतलब, ये एनिमल हमने देखा आसपास, क्या इसके बारे में, क्या इसका कुछ फीचर है, क्या इसके अंदर क्या हो सकता है। अगर जब आप उस फीचर को जान जाओ ना, आप बाहर जाओ, अगर आपको वो ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, तो पहले सोचो कि हमने क्या क्या क्लास में पढ़ा है, क्या क्या हमने एनसीईआरटी बुक में पढ़ी है, क्या वो सारी चीजें हमें यहाँ दिख रही है। एक्सटर्नली तो दिखेंगे, इंटरनली दिखेंगे नहीं, पर उसको रिलेट करो और रिकॉल करो। जब रिकॉल की पावर जिस दिन जनरेट करना स्टार्ट कर दिए ना, उस दिन हमें समझेंगे कि आपका ब्रेन की मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी, और चीजों को आप रिकॉल करके याद कर सकते हो बाहर। तो ये जो चैप्टर है ना बहुत अमेजिंग है, बार बार कहते हैं, क्योंकि हमें आसपास के ऑर्गेनिज्म के बारे में इसके डिटेल पढ़ना पड़ता है हमको। ठीक है, और इतना डिटेल नहीं है, मतलब ठीक है नॉर्मल सा है, क्योंकि तो इससे बहुत डिटेल हम लोग, जब आप आगे अगर मान लो कि इसमें से कोई बीएससी या एमएससी कर रहा है, तो बहुत डिटेल पढ़ना पड़ता है। वैसे हम ये नहीं चाहेंगे, अगर आप यहाँ नीट एस्पायरेंट है तो नीट क्रैक करो आप, और जाके एक मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट पक्की करो, और वहां पढ़ाई करो आप। चलो आगे बढ़ते हैं, फोकस करो स्ट्रक्चर, क्योंकि हम हैबिटेट के बाद स्ट्रक्चर पे आते हैं। एनसीईआरटी का दो डायग्राम है, नेरिस का डायग्राम है और हिरुडिनेरिया लीच बोलते हैं इसको हम। ठीक है, ब्लड सकिंग लीच, और थर्ड डायग्राम जो है वो अर्थवर्म का है। तो ये है अर्थवर्म हमारा, ये तीनों डायग्राम एनसीईआरटी में है।
है ना एनसीईआरटी में, कुछ सोच रहे हैं सर कैसी बात करें, एनसीईआरटी में तो नेरी सिरुडिनेरिया है, अर्थवाम तो नहीं है। हाँ ये चैप्टर नंबर 7 में मिलेगा आपको, आगे होगा तो जिसको देखना भी जाके चेक कर लो। बाकी ये अर्थवाम है, ये पूरा डिटेल इसके बारे में बहुत करना नहीं है हमको, ठीक। ये तीन हमें पढ़ने हैं, जिसमें से ये एक्वेटिक है और दो इसमें टेरेस्ट्रियल है। बाकी आगे डिटेल करते हैं इसका, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं इसका, मतलब एनलिट्स का। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बातें क्लियर है। डाइजेशन की बात करेंगे तो कंप्लीट डाइजेशन है, कंप्लीट मिलेगा इसमें, ठीक है, कंप्लीट मिलेगा। कंप्लीट में समझ आता है ना, कंप्लीट माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट होगा, मतलब एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप्ड होगी इसमें। सिमेट्री की बात करेंगे तो बाइलेटरल सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री है। जर्म लेयर इसका कैसा है, जर्म लेयर की बात करेंगे अगर तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इसमें एक्टो एंडो और मीजो तीनों लेयर होंगी। सीलोम, तो हाँ इसमें ट्रू सीलोम मिलेगा, ट्री ट्रू सीलोम, सीलोम ट्रू होगा इसको, मतलब यू सीलोमेट होंगे ये, तो आप यहां पर यू सीलोमेट लिख सकते हैं। सेगमेंटेशन हाँ है, और कौन सा सेगमेंटेशन है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है इसके पास। नाम भी इसी बेसिस पे पड़ा है, एनेलिडा, नोटोकॉर्ड एब्सेंट है बच्चे। तो इतनी बातें याद रखनी है आपको, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, डाइजेशन कंप्लीट है, सिमेट्री बाइलेटरल है, जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोम ट्रू सीलोमेट है, मतलब मीजोडर्मल डिराइव कैविटी होगी इसके पास। ये पहला ऑर्गेनिज्म हम पढ़ रहे हैं जिसके पास जो यू सीलोमेट है, इससे पहले हमने यू सीलोमेट नहीं पढ़ा। एस्केलमिंथस हमने पढ़ा था जो स्यूडो सीलोमेट थे, बाकी ये जो एनलिट पढ़ रहे हैं हम लोग ये कैसा है, यू सीलोमेट है। सेगमेंटेशन की बात करेंगे तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, मतलब एक सीरियल रिपीटेशन मिलेगा, छोटे छोटे सेगमेंट में बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होती है इसकी। नोटोकॉर्ड इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है बच्चे, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल फीचर के बारे में, क्योंकि हम फाइलम एनिलिडा पढ़ रहे हैं और हम सबको पता है कि हम हर एक फाइलम में स्पेशल फीचर पढ़ते हैं, और इस चैप्टर को याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक ये है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन याद कर लो आप, और दूसरा याद करना है आपको तो स्पेशल फीचर सबका याद रख लो, और थर्ड नंबर पे एग्जाम। अगर इतना कर लिए ना बच्चे, इतना अगर आप कर लिए, हम श्योर हैं कि ये चैप्टर आपकी मुट्ठी में होगा, और अगर आपकी मुट्ठी में ये चैप्टर हो गया तो आपसे आपको एग्जाम में 3 to 4 क्वेश्चन यानी अराउंड 12 to 14 मार्क्स जो एक अच्छा रैंक डिसाइड कर सकता है वो आपके हाथ में होगा। और ये प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम बच्चों को परेशान करते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा हमें लर्न करना पड़ता है, और याद मतलब अगर आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है वीडियो जाकर देखो उसको, अगर नहीं देखे हो तो अगर देख लिया आपने तो हम श्योर है कि इसमें भी कंसेप्ट था, ठीक है, हमने पढ़ाया है, कंसेप्ट था उसके अंदर। तो जाके पहले वीडियो देखो, एनसीईआरटी पढ़ो, हम श्योर हैं कि हर एक लाइन आपकी एनसीईआरटी की क्लियर होगी, इसके साथ भी क्लियर होगी जो एनिमल किंगडम भी पढ़ रहे हैं। तो चलो बात नहीं करते हैं, स्पेशल फीचर पढ़ते हैं हम। इसमें स्पेशल फीचर में लोकोमोशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो इस एनिमल के अंदर दो टाइप की मसल्स हैं, और वो लॉन्गिट्यूडनल मसल, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स है जो किसमें हेल्प करती है, हेल्प इन लोकोमोशन, हेल्प इन लोकोमोशन। तो ये मसल्स हेल्प कर रही हैं लोकोमोशन में। लेकिन आपके स्क्रीन पर दो डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम एक नेरिस का है और दूसरा डायग्राम जो है वो एक अर्थवर्म का है, ठीक है, नेरिस है अर्थवर्म का डायग्राम है। फोकस करना बच्चे, ध्यान से देखो, ये नेरिस होता है ना, उसके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसको हम बोल रहे हैं पैरापोडिया, पैरापोडिया ये स्पेशल स्ट्रक्चर है जो स्विमिंग में हेल्प करता है, पैरापोडिया नेरिस में स्विमिंग में हेल्प करता है। बाकी आप एक अर्थवर्म का डायग्राम जो थोड़ा सा डिटेल है, और कभी आप हर अर्थवर्म अगर रियल में देखते हो तो उसका बैक एरिया जाके ध्यान से देखना, आपको ये कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये देख रहे हो आप, ये स्ट्रक्चर ये जिसको हम सिटी बोलते हैं, सिटी। तो अर्थवर्म के अंदर सिटी हेल्प करता है उसको लैंड एरिया में या लैंड पर चलने में,
और पैरापोडिया हेल्प कर रहा है स्विमिंग में, किसमें? नेरिस के अंदर। तो लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल्स होती है जो लोकोमोशन में हेल्प कर रही है, लेकिन स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप होता है अर्थवॉर्म में, नेरिस में। नेरिस के अंदर पैरापोडिया होता है जो स्विमिंग में हेल्प कर रहा है, और सीटी जो है वो अर्थवॉर्म में है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये सीटी है जो अर्थवॉर्म को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने में हेल्प कर रही होती है। ठीक है, हो जाएगा इतना। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो बच्चे। स्पेशल फीचर में अनदर स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, और ये भी इंपॉर्टेंट है। हम बार बार कह रहे हैं कि जिस भी फाइलम को हम पढ़ रहे हैं उसका स्पेशल स्ट्रक्चर या स्पेशल फीचर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको सुनना है और समझना है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये नेफ्रिडियम का स्ट्रक्चर है, प्लूरल नेफ्रिडिया बोलते हैं उसको, नेफ्रिडियम है ये। ये हेल्प करता है किसमें? एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। तो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में नेफ्रिडियम जो है वो एक स्पेशल ऑर्गन है जो इनलिट्स के अंदर, या सॉरी इनलिट के अंदर क्या करता है, वो हेल्प करता है एक्सक्रीशन। ठीक है, ये हो जाएगा नेफ्रिडियम का। चलो आगे बढ़ते हैं, न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं। न्यूरल सिस्टम में आप ध्यान से देखोगे तो एनसीईआरटी लिख रही है कि दो लैटरल, ठीक है, डबल लैटरल लिखा होगा, लैटरल नर्व कॉर्ड है, पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं इसमें, ये गैंग्लिया है, पेयर्ड में है, एक यहां है दूसरा यहां है, ऐसे गैंग्लिया पेयर में है। ठीक है, तो ब्रेन वाला स्ट्रक्चर सामने दिख रहा होगा आपको, और बाकी ये लोकेशन, ये लैटरल नर्व कॉर्ड कहां पर होंगे, ये कनेक्टेड कनेक्टेड होंगे डबल लेयर से। ठीक है, और ये होंगे कहां पर? वेंट्रल साइड। हम लोगों में नर्व कॉर्ड कहां होता है? डॉर्सल साइड होता है। इनमें कैसा होता है? वेंट्रल साइड होता है। तो न्यूरल सिस्टम इसके पास है, डेवलप्ड है, थोड़ा सा एडवांस है इसके पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पेशल फीचर में हम थर्ड स्लाइड पढ़ रहे हैं, और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ने जा रहे हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन है, क्लोज टाइप है इसके पास। एक्सेप्शन की बात करें तो हाँ, लीच में एक्सेप्शन है, तो मत करो, क्लोज टाइप याद रखो। हम भी नहीं करा रहे इसको, एक्सेप्शन नहीं कराएंगे क्योंकि नहीं आता है बच्चे, तो मत करो इसको, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम है इसमें। ठीक है, और बाकी जो इसका जो ब्लड होता है, ब्लड है इसका वो रेड कलर का है। ब्लड कैसा है इसका? रेड कलर का, रेड कलर का है, और वो पिगमेंट है जो हम लोगों के पास है, हीमोग्लोबिन। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड होता है। पर ये हीमोग्लोबिन जो है ना, ये लिख रहे हैं हम डिजॉल्व, डिजॉल्व इन प्लाज्मा, ये प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। मतलब हमारा हीमोग्लोबिन आरबीसी के ऊपर होता है, हमारा हीमोग्लोबिन कैसा होता है? आरबीसी के ऊपर होता है, लेकिन इसका हीमोग्लोबिन प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व होता है, तो आरबीसी इसमें नहीं होती, आरबीसी एब्सेंट होती है। तो हीमोग्लोबिन प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? डिजॉल्व होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है स्टार लगाना, हीमोग्लोबिन हमारा जो है आरबीसी के ऊपर है, लेकिन इसका डिजॉल्व है प्लाज्मा के अंदर, और ये प्लाज्मा के अंदर है। तो अब ये हीमोग्लोबिन अगर प्रेजेंट है तो इसकी वजह से उसका ब्लड रेड कलर का ही होता है, मतलब अगर उसका ब्लड निकल रहा है तो दिखेगा हमारे ब्लड के जैसा ही। ठीक, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब जो हार्ट जो होगा इसका, वो जो हार्ट ब्लड को पंप करेगा वो एक वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी में कनेक्टेड होगा, जैसे हमारे पास आर्टरी वेन कैपिलरीज होती हैं। हाँ, उतनी फाइन इसमें नहीं होगा, मतलब वो पूरा डेवलप नहीं होता, पर हाँ वेसल्स होती हैं जो पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कराती है। ठीक है, तो क्लोज टाइप याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पहला ऑर्गेनिज्म है जिसमें आपने क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है, इससे पहले हम तो पढ़े ही नहीं सर्कुलेटरी सिस्टम वहां पर। ठीक, रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो हाँ, थ्रू स्किन होता है, कोई ऑर्गन नहीं है, थ्रू स्किन होगा, और इस टाइप के रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम क्यूटेनियस रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलेंगे हम उसको। तो ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में, हाँ है सर, जब हम रेस्पिरेशन एक चैप्टर आएगा हमारा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जब ह्यूमन का हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर मिलेगा हमको। हीरुडीन केमिकल है, ये स्टार लगाना, आउट ऑफ एनसीईआरटी पर कई बार पूछ लेता है, ये कहां प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट इन लीच सलाइवा। ये होता क्या है?
एंटी कॉगुलेंट होता है, एंटी कॉगुलेंट केमिकल है ये, हेल्प करेगा किसमें, हेल्प करता है प्रिवेंट ब्लड कॉगुलेशन, ब्लड कॉगुलेशन को रोकता है। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन क्लोज टाइप का है, ब्लड ब्लड इसका रेड कलर का है, किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर का है, और ये हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में डिजोल्व। रेस्पायरेशन की बात करेंगे तो रेस्पायरेशन स्क्रीन के थ्रू हो रहा है, जिसको क्यूटेनियस रेस्पायरेशन बोल रहे हैं। हिरुडिन केमिकल लीच में होता है, उसके सलाइवा में, जब वो ब्लड सक करता है, क्योंकि हमें पता है उसको हम ब्लड सकिंग लीच भी बोल रहे हैं, जब वो ब्लड सक करता है तो उसका ब्लड, क्योंकि ब्लड निकलता है तो वो क्या हो सकता है, वो बाहर कॉगुलेट कर सकता है, तो उसके कॉगुलेशन को बचाने के लिए इसके पास केमिकल है, हिरुडिन केमिकल बोलते हैं इसको हम, और जो ब्लड कॉगुलेशन से वो प्रिवेंट करता है। और एक इंपॉर्टेंट बात है, लीच का जो यूज है ना, वो बहुत सारी थेरेपी में किया जाता है, जिससे वेस्ट ब्लड को रिमूव किया जाता है बॉडी से बिना किसी चीड़ फाड़ के। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे पाइल्स, ठीक है, पाइल्स का कुछ जगहों पे ऐसा होता है, ऐसा हर जगह पे नहीं होता, लेकिन पाइल्स का कुछ केसेस में जो इलाज होता है, उसके जो वेस्ट ब्लड होते हैं लीच के थ्रू सक कराए जाते हैं। तो ऐसे बॉडी में बहुत सारे, मतलब जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, वहां पर भी लीच का यूज करते हैं, लेकिन कुछ थेरेपी में होता है ऐसा। एलोपैथ में जाओगे तो सीधे चीट फाड़ करेंगे, मतलब जिसके डॉक्टर बनने जा रहे हो, सीधे ऑपरेशन करना है ऑर्गन, या फिर हमें उसको ट्रीट करना है कैसे भी। ठीक, अब आते हैं रिप्रोडक्शन की बात करें, तो हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इसमें गैमिट बनेंगे, और इसमें दो टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे आपको, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, तो अलग अलग करते हैं इसको। एक आपको मिलेगा मोनोइसियस, दूसरा ऑर्गेनिज्म मिलेगा डाइसियस। मोनोइसियस का एग्जाम्पल याद रखना है, लीच आएगा हमारा, और सेकेंड एग्जाम्पल है अर्थवर्म, डाइसियस का एग्जाम्पल नेरिस याद रखना है, नेरिस। ठीक है, डाइसियस का एग्जाम्पल नेरिस याद रखना है, बाकी आप इसका मोनोइसियस में लीच याद रखना। मोनोसिस का मतलब होता है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम बॉडी, जब मेल मेल एंड फीमेल ऑर्गन जो है सेम ही बॉडी पर प्रेजेंट होता है तो मोनोसिस बोलेंगे, और जब वो अलग अलग बॉडी पर होता है, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म होंगे उसके, तो उसको हम डायसिस बोलते हैं। तो मोनोसियस यानी बाइसेक्सुअल, डायसियस यानी यूनिसेक्सुअल। डायसिस का एग्जाम्पल याद रखना नेरिस, एक्वेटिक होता है, इसमें मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और मोनोसियस में जो लीच एंड अर्थवर्म होता है, एक ही बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों हो, मेनली हम कहते हैं मेल सेक्स गोनाइट्स और फीमेल सेक्स गोनाइट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन, तो इसका फर्टिलाइजेशन अगर हम बात करें तो मोनोसियस में, मोनोसियस में फर्टिलाइजेशन इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, फर्टिलाइजेशन। मोनोसिस के केस में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल देखने को मिलता है, और इसके केस में एक्सटर्नल मिलेगा। डेवलपमेंट नेक्स्ट, डेवलपमेंट अगर हम बात करें तो कुछ में डायरेक्ट मिलेगा और कुछ में कैसा मिलेगा, इनडायरेक्ट मिलेगा। तो इसमें आपको डायरेक्ट मिल सकता है, डायरेक्ट, और इसमें मिलेगा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब लार्वा बनेगा और लार्वा से एडल्ट बनेगा, तो इसके लार्वा को, लार्वा का नाम याद रखना, ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा, ये एडिशनल है बच्चे, मतलब कर सकते हो। ट्रोकोफोर लार्वा आपको मोलस्का के अंदर मोस्टली मिलता है, पर इसमें भी मिलेगा, नेरिस में मिलता है ट्रोकोफोर लार्वा, तो ये एडिशनल है, याद कर सकते हो इसको भी। ठीक, एग्जाम्पल इसका कर लेते हैं, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है, नेरिस एक्वेटिक होता है, फेरिटिमा जिसको हम अर्थवर्म भी बोल रहे हैं, हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच है, ये तीन एग्जाम्पल करने हैं आपको, बस इससे ज्यादा नहीं करना, आप इससे ज्यादा आता भी नहीं है, पर इतना याद रखना है आपको। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, दो फाइल हमने डिटेल डिस्कस किया है, और आप हमें बताएंगे कि समझ आ रहा है कि नहीं आपको। वैसे हम श्योर हैं कि हमने एनसीईआरटी का हर एक लाइन, क्योंकि इससे, इसको पढ़ने के बाद जाके एनसीईआरटी पढ़ो, हम श्योर हैं आपका हर एक कंसेप्ट, हर एक लाइन बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, मतलब बहुत डिटेल तो नहीं, पर हाँ जितना आपके लिए सफिशियंट है, इनफ है, उतना हमने डिस्कशन कर लिया है। चलते हैं, करना क्या है, एनसीईआरटी की रीडिंग करो, एमसीक्यू बुक की प्रैक्टिस कर लो,
PYQ बुक कोई भी एक हो सॉल्व कर लो, बस इतना कर लो। चलें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।